नमस्कार जी उत्तराखंड के राज्यपाल श्रीमान गुरमेत सिंह जी उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उत्तराखंड सरकार के मंत्रीगण विभिन्न सांसदगण विधायक मेयर जिला परिषद के सदस्य अन्य महानुभाव और उत्तराखंड के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है साथियों मैं अभी कुछ घंटे पहले ही तीन देशों की यात्रा करके लौटा हूं आज पूरा विश्व भारत को बहुत उम्मीदों से देख रहा है हम भारत के लोगों ने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है जिस तरह हम गरीबी से लड़ रहे हैं उसने पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है जिस कोरोना से लड़ने में बड़े बड़े देश पस्त हो गए उसी कोरोना को हम भारतीयों ने मिलकर के कड़ाई से टक्कर भी दी हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया आज पूरे विश्व में भारत को लेकर चर्चा है विश्व के लोग भारत को समझने के लिए देखने के लिए भारत आना चाहते हैं ऐसे में उत्तराखंड जैसे इतने सुंदर राज्यों के लिए यह बहुत बेहतरीन अवसर है इस अवसर का पूरा लाभ उठाने में ये वंदे भारत ट्रेन भी उत्तराखंड की मदद करने वाली है साथियों उत्तराखंड देवभूमि है मुझे याद है मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था ये दशक ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है वो बहुत सराहनीय है ये इस देवभूमि की पहचान को संरक्षित करने के लिए भी अहम है और मेरा तो विश्वास है कि ये देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी हमें इस सामर्थ्य के अनुरूप भी उत्तराखंड का विकास करना होगा अगर हम अभी ही देखें तो चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या हर वर्ष पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है नया रिकॉर्ड बना देती है अभी बाबा केदार के दर्शनों के लिए कितने श्रद्धालु बढ़ रहे हैं ये हम सब देख रहे हैं हरिद्वार में होने वाले कुंभ और अर्ध कुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं हर वर्ष जो कांवड़ यात्रा होती है उसमें भी लाखों करोड़ों लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं देश में ऐसे राज्य कम ही हैं। जहां इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं श्रद्धालुओं की यह संख्या उपहार भी है और इतनी बड़ी संख्या को संभाल पाना एक बगीरथ कार्य भी है इस बगीरथ कार्य को आसान बनाने के लिए ही डबल इंजन की सरकार डबल शक्ति से डबल गति से काम कर रही है बीजेपी सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है पहला रत्न केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य दूसरा रत्न ढाई हजार करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड केदारनाथ और गोविंदगाथ हेमकुंड साहब रोपवे का कार्य तीसरा रत्न कुमायूं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानस खंड मंदिरवाला मिशन का काम चौथा रत्न पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा मुझे बताया गया है कि राज्य में चार हजार से अधिक होम स्टे रजिस्टर हो चुके हैं पांचवा रत्न सोलह इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास छठा रत्न उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी बनाया जा रहा है सातवा रत्न करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली टिहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना आठवां रत्न ऋषिकेश हरिद्वार का एडवेंचर टूरिज्म और योग की राजधानी के रूप में विकास और नवरत्न टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन इस रेल लाइन पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा और आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी सोने पर सुहागा इसलिए इन नव रत्नों की माला को पिरोने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट यहां चल रहे हैं उन्हें भी धामी जी की सरकार ने नई ऊर्जा दी है 12000 करोड़ रुपए की लागत से चार धाम महापरियोजना पर तेज गति से काम हो रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तैयार होने से देहरादून दिल्ली के बीच सफर और आसान हो जाएगा रोड कनेक्टिविटी के साथ ही रॉप कनेक्टिविटी के लिए भी उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है पर्वतमाला योजना आने वाले दिनों में उत्तराखंड का भाग्य बदलने जा रही है इसके लिए जिस कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के लोगों ने बरसों इंतजार किया है वो इंतजार भी हमारी सरकार समाप्त कर रही है ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेल परियोजना दो तीन साल में पूरी हो जाएगी सोलह हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च इस योजना के पीछे किए जा रहे हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उत्तराखंड का एक बड़ा क्षेत्र राज्य के लोगों और पर्यटकों के लिए सुगम हो जाएगा इससे यहां निवेश उद्योगों के विकास रोजगार के नए नए अवसर बनेंगे और देवभूमि पर विकास के इस महाअभियान के बीच अब ये वंदे भारत ट्रेन भी उत्तराखंड के लोगों के लिए एक भव्य उपहार साबित होगी साथियों आज राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड तेजी से पर्यटन हब एडवेंचर टूरिज्म हब फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है आज उत्तराखंड के नए नए स्थल नए नए टूरिस्ट हब देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं इन सभी को वंदे भारत ट्रेन से बहुत मदद मिलेगी अब तो देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हो चुकी है जब परिवार के साथ कहीं लंबी दूरी तय करनी हो तो ट्रेन ही लोगों की पहली पसंद होती है ऐसे में अब वंदे भारत भारत के सामान्य परिवारों की पहली पसंद बनती जा रही है भाइयों और बहनों 21वीं सदी का भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाकर और तेजी से विकसित हो सकता है पहले लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही उन्होंने देश की इस जरूरत को कभी समझा ही नहीं उन दलों का ध्यान घोटालों पर था भ्रष्टाचार पर था परिवारवाद के अंदर ही वो सिमटे हुए थे परिवारवाद के बाहर निकलने के लिए उनके ताकत का ही विषय रहा नहीं था भारत में हाई स्पीड ट्रेनों को लेकर भी पहले की सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए इन दावों में कई कई साल बीत गए हाई स्पीड रेल तो छोड़िए रेल नेटवर्क से मानव रहित आटक तक हटा नहीं पाए थे रेलवे के बिजलीकरण की स्थिति तो और भी गंभीर थी 2014 तक देश के एक तिहाई रेल नेटवर्क का ही बिजलीकरण हो पाया था एक तिहाई जब ये स्थिति हो तो तेजी से चलने वाली ट्रेन चलाने के बारे में सोचना भी असंभव था साल 2014 के बाद हमने रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चौतरफा काम शुरू किया एक तरफ हमने देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन के सपने को जमीन पर उतारना शुरू किया दूसरी तरफ पूरे देश को सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तैयार करना शुरू किया जहां 2014 से पहले हर वर्ष औसतन 600 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था वहीं अब हर साल छह हजार किलोमीटर रेल लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है कहां छह सौ और कहा छह हजार इसलिए आज देश के 90 प्रतिशत से अधिक रेलवे नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है उत्तराखंड में तो पूरे रेल नेटवर्क का शत प्रतिशत बिजलीकरण हो चुका है भाइयों और बहनों ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सही विकास की नीयत भी है नीति भी है और निष्ठा भी है 2014 की तुलना में रेल बजट में जो वृद्धि हुई है इसका सीधा लाभ उत्तराखंड को भी हुआ है 2014 से पहले के पांच सालों में उत्तराखंड के लिए एवरेज औसतन 200 करोड़ से भी कम बजट मिलता था और अभी भी अश्विनी जी ने विस्तार से इसके विषय में बताया भी 200 करोड़ से कम इतना दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र रेलवे का अभाव और बजट कितना 200 करोड़ से भी कम इस वर्ष उत्तराखंड का रेल बजट पांच हजार करोड़ रुपए हैं, यानी पच्चीस गुना बढ़ोतरी यही कारण है कि आज उत्तराखंड के नए नए क्षेत्रों तक रेल का विस्तार हो रहा है रेलवे ही नहीं बल्कि आधुनिक हाईवे का भी उत्तराखंड में अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है उत्तराखंड जैसे पहाड़ी प्रदेश के लिए ये कनेक्टिविटी कितनी जरूरी है ये उत्तराखंड के लोगों से अधिक और कोई नहीं समझता है कनेक्टिविटी के अभाव में अतीत में कैसे गांव के गांव खाली हो गए उस पीड़ा को हम समझते हैं आने वाली पीढ़ी को उस पीड़ा से हम बचाना चाहते हैं उत्तराखंड में ही टूरिज्म से खेती किसानी से उद्योगों से रोजगार के अवसर बने इसलिए इतना परिश्रम आज हम कर रहे हैं हमारी सीमाओं तक तो पहुंच आसान हो राष्ट्र रक्षा में जुटे हमारे सैनिकों को असुविधा ना हो इसमें भी ये आधुनिक कनेक्टिविटी बहुत काम आएगी भाई और बहनों हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड का तेज विकास भारत के तेज विकास में भी मदद करेगा और देश अब रुकने वाला नहीं है देश अब अपनी गति पकड़ चुका है पूरा देश वंदे भारत की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ता जाएगा एक बार फिर आप सभी को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अनेक अनेक बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन दिनों तो बाबा केदार के, के चरणों में बद्री विशाल के चरणों में यमुनोत्री गंगोत्री के चरणों में बहुत तेजी से देश भर के लोग आ रहे हैं उसी समय वंदे भारत एक्सप्रेस का पहुंचना ये उनके लिए भी बड़ा सुखद अनुभव होगा मैं फिर एक बार बाबा केदार के, के चरणों में प्रणाम करते हुए देवभूमि को नमन करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद